फ्रेम बनाने के लिए एक बिल्कुल चौकोर वर्गाकार स्क्वायर शेप कोई भी पेपर चाहिए, कोई भी मोटा पेपर। इसके लिए हम शादी के कार्ड भी ले सकते हैं। मेरे पास ये मोटा पेपर है चौकोर। ये चौकोर है या नहीं ये देखेंगे, इसके कोने मिला के देखेंगे तो ये कहीं भी एक्स्ट्रा कागज़ नहीं है। इसे मिलाने से एक तो ये निशान बन जाएंगे बीच में, ये क्रॉस निशान बन गया, और ये बहुत आसान है, सारे कॉर्नर्स मिला लेंगे। दो मिनट में फोटो फ्रेम बन जाता है। ये सारे कॉर्नर्स ऐसे मिला लेंगे। इसे मिलाने के बाद इसको पलट लेंगे और जो ये क्रॉस में निशान आया है यहाँ पे फिर से कॉर्नर मिला लेंगे। जितना मोटा पेपर होगा उतना आपका फोटो फ्रेम अच्छा बनेगा। ये चारों कॉर्नर्स मिला लिए। अब यहाँ पे देखेंगे ऐसा एक स्ट्रक्चर बन गया है। तो ये चारों कोनों के पेपर निकले हुए हैं, इनके कॉर्नर हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे, बिल्कुल कोने में ले जाके इसे मोड़ देंगे तो एक फ्रेम का शेप आ जाएगा। ये फोटो फ्रेम तैयार है। इसमें आप तीन कोने ऐसे चिपका देंगे। यहाँ पे तीन कॉर्नर चिपका देंगे और स्टैंड बनाने के लिए इस तरह से आप पेपर फोल्ड करके और यहाँ इसको चिपका देंगे। इसको हम ऐसे खड़ा कर सकते हैं, जितनी आपको इसकी हाइट चाहिए उतना काट देंगे और यहाँ पे चिपका के ये फोटो फ्रेम बन जाएगा। इसमें आप कोई भी अपने परिवार की कोई भी फ़ोटो इसमें लगा सकते हैं। जैसे ये फ़ोटो फ्रेम बना है, इसमें भगवान की फ़ोटो लगी है। ये पीछे इसका स्टैंड बन गया, ये छोटा फ्रेम है, इसमें स्टैंड बना हुआ है। इस तरीके से आप फ़ोटो फ्रेम बना के इसमें अपने फैमिली की फ़ोटो लगा कर ये क्राफ्ट वर्क करके और ग्रुप पर भेजें।